and Principal Bhavan Smarti Sarva Vidya Mandir to please address the session. A very good morning and a warm welcome to all of you. Friends, first of all, I regard it as an honor, and let's put our hands together to welcome none other than Mr. Chetan Bhagat to this very platform. And while I have been taking long strides in the field of learning, in the field of blood donation, we collect almost 2,000 units of blood per year, contributing a huge amount to the city. Let's begin the program with a viral video, and then Regina, I request Regina, once the video is done, I will introduce Mr. Chetan Bhagat and then we will proceed. सोच में ही लिमिटेशन है, ये बहुत जरूरी है टू इफ यू हैव टू गो बियॉन्ड, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रीम्स हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर आपको 100 रुपए डिजर्व करते हो तो आप 100 रुपए के तो ड्रीम भी नहीं करोगे, वो तो आप करोगे तो आएगा ही आएगा, 500 आए तो मजा आएगा। तो यू हैव टू, द ड्रीम्स आर लॉजिकल, थिंकिंग हैज टू बी अ बिट लॉजिकल। इज दैट मेकिंग सेंस? नेक्स्ट है second thing I tell you, I meet a lot of young generation who are trying to be very sure. See again, क्या है, हम हमेशा सोचते हैं पिछली बार मैंने सही टाइम पे सोचा नहीं, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं लगाई, मेरे को वो बीट करेगा, तो हम क्या करते हैं अगली बार और तगड़ी स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश करते हैं और दिमाग लगाते हैं। हम लोग सारी जिंदगी और चालू और चालू और चालू होना चाहते हैं, करेक्ट? एब्सोल्युटली फैक्ट है ना। जो हमें थोड़ा लगता है चालू नहीं है, हम उसको समझाते हैं यार दिमाग से काम ले, तेरा उल्लू बना रहे हो, तेरा ये बना रहे हो। बट अगर आपको मैं सिंपल एक बात कहूँ, इन दिस वर्ल्ड इनोसेंट आर ऑलवेज बीटिंग द शूट, इट इज ऑलवेज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप ये मानते हो और आप चालू करते हो तो इवेंचुअली समवन वेरी इनोसेंट, वेरी चाइल्ड लाइक विल कम एंड डिफीट यू, और वो बुरी तरह हराएगा। ये लॉ ऑफ लाइफ। दिस नेक्स्ट लाइफ, बिकॉज वेन यू अप्लाई योर माइंड यू आर इन अ डिल्यूजन। अगेन इट्स दैट माइंड थिंग ओनली, shrewdness comes from the mind and the one who is innocent has no idea of his ability. That's what is innocence. So let's take an example. ये तीन लोग जानते हो, ठीक है, ये तीन सुपरस्टार हो, ठीक है। One of the shrewdest guys in showbiz, one of the shrewdest, उसको हैप्पी न्यू ईयर जैसे पिक्चर में बेचनी आती है, ठीक है। I don't know, have you seen that movie? You have to see it. सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, टेररिस्ट को पिक्चर दिखा दो, सब कर देंगे। बट शाहरुख को ना आता है पैसे कमाना, शोबिस, सीधी सी बात। वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी, ये वो प्लान का दिमाग बहुत है। आमिर इज अ वेरी श्रूड फिल्म मेकर। आमिर को पिक्चर बनानी आती है, बड़ी सस्ती पिक्चर बनाता है, बहुत अच्छी पिक्चर बनाता, मोस्ट प्रॉफिटेबल पिक्चर्स बनाता है, राइट। दिमाग से काम लेता है, क्राफ्ट आता है। तो शाहरुख को दिमाग आता है बेचना पिक्चर, आमिर को आता है बनाना, एक्टिंग करना। और जो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसको ना बेचनी आती है ना बनानी आती है पिक्चर, करेक्ट। तो वो उनका कॉम्पिटिटर कैसे है? तो पूरा सलमान खान की टीम का यही पॉइंट है, वो इनोसेंट है, हम सब मानते हैं ये बात। How he survived? आपने दवाई को देखी है? They should give a headache pill when they give you the ticket. तो ये इंटरवल के बाद खा लेना। देखा ना दवाई को? मतलब मैं एक बार सोचता हूँ, मैं चेतन को बोलता हूँ कि तू किसको मार रहा है? तेरा भाई इतना रफल नहीं है कि मतलब दवाई को कुछ चाहिए चीज़ें। मतलब तेरे को नॉर्मल किताब तो नहीं लेता होगा, सो एक बार क्लास कर दे। तो कितने रफल भाई हो सकते हैं? The point is, इनोसेंट will always come and fight। और ये कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। लॉजिक एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में है कि the universe has to keep innocence alive। So आपके पास जिंदगी में सक्सेसफुल होने के दो तरीके हैं, या तो आप शाहरुख बन जाओ, वो बनना बहुत मुश्किल है, 80-90% लोग तो बन नहीं पाएंगे। लेकिन सलमान बनना तो इजी है ना, इनोसेंट बनना तो इतना आसान है। तो अगर आपके माइंडसेट में यही है मैं कि वो चालू होना है, चालू होना है, चालू होना है, बी श्योर जिंदगी में कभी बहुत बुरी तरीके गिरोगे, और जो गिराएगा वो एकदम आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये आदमी मुझे गिरा दिया। आमिर और शाहरुख लड़ते रहते हैं, मेरे को तेरा नाम शाहरुख है, ये हुआ है, सलमान है भी सुपर हिट पिक्चर है, करेक्ट। इफ यू सी लुक एट शाहरुख, ही हैज डन नेवर एनी मिस्टेक। उसका वो अफेयर भी और पेपर जो से उसने दबा दिया, और फैमिली में सही सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अपॉलोजाइज भी कर देता है वो इसने बाप वाले स्टेडियम पे हरकत हुई। सलमान ने हर मोटी चीज की है, हर मोटी चीज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इनोसेंस। सो एक ही मैसेज है कि जिंदगी में सिर्फ चालू होने की कोशिश मत करना, इनोसेंट होने की कोशिश करना। मेरे भाई को ही फायदा हुआ। नेक्स्ट भाई, एक बार उसकी आमिर खान से लड़ाई हुई 3 इडियट्स में। आई डोंट नो हाउ, 18 साल की बच्ची, शायद 8-9 साल की बच्ची होगी, उसको पता नहीं होगा। बट आमिर और चेतन की जब ये 3 इडियट्स कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो चेतन कुछ नहीं था, आमिर का भी सुपरस्टार, लेकिन द होल वर्ल्ड रैलीड अराउंड चेतन बिकॉज चेतन वॉज इनोसेंट। सो प्लीज नेवर लूज द इनोसेंस इन यू। दैट इज अ वेरी पोटेंट वेपन to succeed in life, very very important। चालू होने की धुन में अंधे मत हो जाना, be very careful। Third, जिंदगी में ना हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, I don't know, आपके से बहुत लोग MBA में हो गए। MBA मुझे लगता है कि MBA साइकोमेट्रिक सा है, जिससे आदमी जो प्रॉब्लम होता है उसे पागल कर दिया जाता है। 2 साल में आप पागल हो चुके होते हो, ठीक है? क्योंकि MBA कोर्स में मैंने किया, उन्हें सिखाया जाता है कि जो भी चीज़ दिखे बोलो कितने की बिकेगी, ठीक है? तो आप कार देखते हो, पहले हम देखते थे कि हमारे पापा के पास मारुति कार है, तो पापा मारुति कार है और चलो पापा ने खरीदी है हमारे लिए, हम बड़े खुश हैं, लाभ है। इतने MBA करने तो हमें सिखाया गया कि तो मारुति कार है, मिडिल क्लास आदमी के लिए बनाई गई है, उसके बाद 3-2 बच्चे होते हैं और ये होता है उसकी इतनी इनकम होती है, उसको इतनी माइलेज चाहिए होती है, इस हिसाब से बनाई गई है, इसलिए इधर शोरूम होगा, इतने की बिकेगी। करते करते तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका होता है, तुम यही सोच रहे हो ये चीज़ कितने की बिकेगी, ये चीज़ में बिजनेस कितना होगा, ये चीज़ का मार्केट शेयर कितना होगा। सारे MBA जो होते हैं वो पागल होते हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाते, वो नौकरी करते हैं अल्टीमेट। अगर आपको इतनी समझ होती तो कोई नौकरी का शोरूम खड़ा नहीं कर सकता ऑन देयर ओन। बट द पॉइंट इज वी एज द वर्ल्ड सिंस वी आर बॉर्न वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आज आपका स्कूल और कॉलेज का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपके स्कूल और कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कॉलेज ही अच्छा नहीं है, राइट? अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है तो आप वर्कर अच्छे नहीं हो। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द रिजल्ट। Whereas in life, the way the world works, everything is voted rather than a result. Now, result is not in your hands. So, when you are always chasing results, you are very unhappy, very unhappy in life. क्योंकि कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। लेकिन law ये कहता है कि motive सही होगा, तो I will give you happiness. You will get happiness. Eventually, you will get happiness. लेकिन अगर मोटिव इम्प्योर होगा, रिजल्ट आ भी गया तो भी दुखी हो गए। सो वेरी डिफरेंट ऑर्डर। शायद अभिषेक बच्चन दुखी होगा, सलमान खान सुखी होगा, मोटिव इसका भी होगा, ठीक है? नाउ मोटिव पे हम ध्यान नहीं देते। अगेन इट लीड्स बैक टू बीइंग श्रूड। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट अ सिचुएशन, बट मैनिपुलेशन कैन ओनली टेक अस टू अ पॉइंट व्हेन यू लीव अ थिंग। आप कहो कि यार मैं दिल से करना चाहता हूँ ये चीज़, मेरा ये इंटेंशन था जो आपके हाथ में है, उसके बाद हुआ हुआ छोड़ दो। इन लाइफ इट विल कम बैक टू यू सम शेप एंड फॉर्म, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट, ओके दिस आई विल नॉट गो यू, बट इफ यू लुक एट मदर टेरेसा, कोई सेल्स और मार्केटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बट द अमाउंट ऑफ फेम दैट लेडी गॉट इज अनबिलीवेबल। यू नो अभी कुछ दिनों पहले किसी वो RSS के बंदे लोग ने अभी वो कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दी थी, तो वो पीपल रैलीड बिहाइंड मदर टेरेसा कॉज। अगर आपका कॉज प्योर होता है, दुनिया आपके साथ आ जाती है। कैसे आती है ये आपको सेल्स और मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ये कुछ द वे द वर्ल्ड वर्क्स। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग बिजनेस करते हैं या सर करते ही स्टार्टेड अ स्कूल 5 years ago, कैसे वो स्कूल बड़ा होगा, कई चीजें अपने आप हो जाती है। यू आर ऑल्सो वर्किंग, सो प्लीज कीप इन माइंड द मोटिव फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। इनफैक्ट इफ यू लुक एट एनी पर्सन इन अ कंट्रोवर्सी, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू इसकी मोटिव खराब। इफ यू लुक एट दिस प्रशांत भूषण वाली पूरा वो सियापा था, वो एक ही चीज दुनिया में। देखो अरविंद केजरीवाल वो एक ही चीज पे चल रहा है कि मैं प्योर आदमी। जब जब हमें लगता है वो प्योर आदमी है तो हम उसको जीतने देते हैं, फिर कोई हमें आगे कन्विंस करता है कि या वो प्योर नहीं है, फिर हम उससे डरते हैं क्योंकि काम तो उसने आज तक कभी कुछ किया नहीं है, कुछ किया तो है। तो दैट इज द पावर ऑफ इंटेंट। वो भी ही हैज कमिटेड और कन्विंस्ड अस कि उसकी इंटेंशंस प्योर है, वो करप्ट नहीं है। तो हमने उसे चीफ मिनिस्टर ही बना दिया। दूसरी बात, एंड प्रशांत भूषण चूंकि काफी ज्यादा क्रेडेंशियल था उसके, उसको साइड लाइन कर दिया। एक्चुअली में real action on the ground में प्रशांत भूषण has more credentials than even Kejriwal, but perception wise Kejriwal is coming across as more better intent, more pure intent, that's all. So just imagine अगर आपकी intention pure होगी, the world will rally behind you like the way अब केजरीवाल जैसे आदमी सिर्फ बैठे ही रॉक लोग मुझे लगता है, उससे ज्यादा ड्रामा कोई नहीं कर सकता दुनिया में। That's the power. It's the game. Law of spirituality. No, don't try to put too much logic behind it. And the last, see, a lot of people, this is an experiment I did in my life also. Lot of people think कि करना है यार कुछ, पर करेंगे कैसे? ठीक है. इनफैक्ट व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग फर्स्ट थिंग द माइंड टेल्स यू इज कि यार ये नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं. मैं जब किताब लिख रहा था, मैंने जिंदगी में ना किताब नहीं पढ़ी थी कोई. लिखना तो बहुत दूर की बात है, कभी स्क्रिप्ट लिखता था, ये सब लिखता था कॉलेज में, ना मैंने किताब लिखी. और मैं इंडिया में रहने आया था, मैं 7-8 साल से इंडिया में किताब, मैं एक बंदे को नहीं जानता था. और मेरे को किताब, मेरे को चेतन पर इतनी सारी किताब से पढ़ी थी, मैंने कुछ पता नहीं था. और चेतन में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं था कि चेतन वॉज हेल्पिंग मी टू फाइंड अ पब्लिशर. तो Someone told me, यार तू लिख, बाकी ना छोड़, तू लिख, अच्छी किताब लिखने पे. So it took me 2 years to write my first book. It's quite a difficult task, आता ही नहीं था लिखना. अगर उस टाइम पे मैंने अपनी माइंड की सुनी होती, ना तो किसी को जानते हो, ना तुम्हारी कोई पहचान. ऊपर से लोग मुझे बोले जा रहे थे तेरा दिमाग खराब है कि चेतन भगत का ब्रदर होकर तुझे राइटर बन रहा है, तू एक्टर बन, सिंगर बन, कुछ भी बन, लेकिन तू राइटर भी बन रहा है यार, कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री चीज कर ले, उसमें चेतन को यूज कर लियो, ऐसे पढ़ लियो. लेकिन अल्टीमेटली आई टेल यू, तो मैंने एक्चुअली इतना लोगों को डरा दिया कि मैंने कहा यार मैं तो बस इसे छाप देता हूँ, उसके बाद छोड़. एक चूल्हा है, कीड़ा है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद इनफैक्ट मैंने किताब लिखी और मैंने चेतन को ही दे दी. मैंने उसको मैं यार तू देख ले, मैंने लिख दिया. उसके बाद उसके पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दी. उसके पब्लिशर ने पूरी रिपोर्ट भेजी कि कितनी गंदी किताब है, इससे गंदी किताब दुनिया में से ठीक है. वो इतनी गंदी रिपोर्ट थी कि उसने चेतन ने मुझे पढ़ के नहीं सुनाई, तू डिप्रेस हो जाएगा, तू रहने दे, कितनी बुरी हुई बता से. तो उसने थोड़े से पढ़े, वर्स्ट बुक, ये वो बिल्कुल जी ये तो बकवास है. तो फिर मेरे को उन्होंने मेरे ब्रदर को भी डरा दिया कि अरे आपका ब्रदर तो सुसाइड कर लेगा, इतनी जूते पड़ेंगे इसे. उसको लगा यार एक वैसी तेरी ना लाइफ जूते पड़ते ही संभलती है, मतलब तू ऐसे खास तो दिया नहीं तुमने, तो अपनी खाना बेइज्जती क्यों करा रहा है, तू मत छाप. जनरल के उसने बैठ गया, पर तू राइटर बन. मैं ठीक ठाक लिखता हूँ, मुझे मेरी इतनी पढ़ाई हो जाती है, तू तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है. मैंने कहा यार मैंने ना सच्चे, मैंने उसे बोला यार मैंने सच्चे मन से लिखी है, पता नहीं क्यों लिख दिया. मेरा शायद मेरा दिमाग खराब था, मेरे बर्थडे आए हुए हैं, मैंने लिख दिया. अब मैं लिख दिया. अच्छा किताब एक ऐसी चीज़ है, किताब प्रेगनेंसी में होती है, एक बार आपने लिखनी शुरू कर दी वो बढ़ती जाती है, वो बाहर ही निकलती है. अब हो चुका था, नहीं यार लिख चुका हूँ मैं, क्या करूँ, ठीक है, हार के थोड़ी बैठ सकता हूँ, लिख दिया मैंने. तो शिव जी बड़ा उसने कहा नहीं यार मत कर मत कर. तो मतलब करते कराते एक दिन फिर मैंने कहा यार देखते हैं कितनी पढ़ाई हुई, चलो ये देखते हैं. और फिर मैंने जाके पब्लिशर्स को अप्रोच इंडिपेंडेंटली करना शुरू किया, यार मैं भी राइटर हूँ और ये वो बड़ा लंबा स्ट्रगल थी. वो आधे लोगों को मैं चेतन भगत समझ में आता था, वो पे तो मिलने आ जाते थे, फिर लिखता था ये चेतन नहीं ये चेतन है, फिर वो ऑफिस चले जाते थे 5 मिनट में, चाय का बिल भी नहीं देते थे, मैं नहीं होता. तो बड़े स्ट्रगल थे, बट दिस होल थिंग वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैंने जिस दिन 10 थप्पड़ पड़ जाएंगे मैं चुप हो जाऊंगा, तो अपने आप लोग मुझे चुप करा देंगे. लेकिन वो 10वां थप्पड़ आए फिर अपने आप दूसरी भी आ गई, और अब मतलब अपने आप ही चली जा रही है. देयर वाज यू वुड नेवर हैव हर्ड, कोई आया नहीं थी, कुछ छोटे छोटे पब्लिशर्स थिंग्स अपने आप होते जाते हैं. बिकॉज द एंड में मैंने बाद में सोचा कि हुआ कैसे, बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू डाई बिफोर आई वाज बोर्न एज अ राइटर, हाउ एम आई सर्वाइविंग एज अ राइटर. I was surviving because मैंने दिल से किताब लिखी थी, बट एक्चुअली ये सोचा नहीं था कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा. इनफैक्ट ये जो सेकंड बुक आप देख रहे हो ये तो पब्लिशर ही मिल रहा था इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर आप ही के ब्रदर ने इंडिया में इंडस्ट्री शुरू की, पतली किताब हो गई, आप बड़ी किताब लाए हो. चेतन की किताब होगी 60,000 वर्ड्स की, तो जो मेरी फर्स्ट बुक थी वो 1,80,000 वर्ड्स है. चलो उन्होंने कहा सर पहली बार गलती हुई आपसे, बड़ी किताब मिल रही आपने, तो ना आप अगली बार छोटी ये किताब के जो वर्ड्स हैं 1,65,000 वर्ड्स हैं. तो पब्लिशर ने आपका शराब पी कर लिखते हो क्या समझा रहे हैं आपको, छोटी किताब लिखो, आप बहुत बड़ी करी जा रहे हो, बहुत बड़ी करी जा रहे हो. मैं यार ऐसे होता है, मतलब यू नो राइटिंग इज लाइक बीइंग इन लव, सब ऐसे होता जो होता है होता. एंड रियली आई अप्रोच एडिटर, कुछ कंट्रोवर्शियल है इसमें, वो सब स्टफ भी है, तो बड़ा प्रॉब्लम है. और अल्टीमेटली चलती गई हो ही है, और अपने आप कोई ना कोई रास्ते निकलते गए, कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं। आई विल नेवर बी टू राइट, आई डोंट नो हाउ आई रीच्ड यू, मैं तो आपको लिखा नहीं, आपने मुझे लिखा नहीं, संभव भी। सो दिस इज द वे वर्ल्ड वर्क्स, इफ यू हैव द राइट इंटेंशन, अगर आप लगे रहते हो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट बाद अपना वही लॉजिक और माइंड जो कि डरा रहा होता है उसे साइड पर करना होता है कि यार बहुत हो गया, और अल्टीमेटली वही होता है कि बुराई होगी तो मेरी ईगो को लगेगी, तो ईगो को साइड पर रखना पड़ता है एंड अटैचमेंट को हटाई देते हो, इतना रिजल्ट हुआ तो उससे देन इट वर्क्स आउट, देन इट ऑल वर्क्स आउट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इफ यू सी जस्ट वन एग्जांपल आई टेक कि इंडिया में इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं, कितने हैं, तो इंडिया सोचो, इंडिया को फ्रीडम चाहिए थी, तरीका हर फ्रीडम फाइटर का अलग था, कोई मरने को तैयार था, कोई मारने को तैयार था, कोई ऐसे कोई वैसे, मतलब कितने फ्रीडम। सो अगेन they were all having different executions, ठीक है, but eventually India figured out the model, cause was very just, कि हमें freedom चाहिए, तो eventually someone in the form of Gandhi came, if you look at, तो actually India में Gandhi का एक random आदमी आया और उससे execution का रास्ता दिखाया। Gandhi ने idea नहीं कि freedom करते हैं, freedom struggle चल रही है, और वो साउथ अफ्रीका से ही came, and then he said चलो ये वाला try करते हैं, ये सस्ता टिकाऊ स्केलेबल, ठीक है, इससे करते करते। सो अल्टीमेटली क्या होगा, व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग इन लाइफ, कोई तरीका नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, बट आपका कॉज अगर जस्ट हो तो शुरू में उल्टे-पुल्टे तरीके होंगे, बट इवेंचुअली यूनिवर्स विल कनेक्ट यू टू द राइट एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड, इट विल हैव टू। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि at this stage of my life I feel कि मेरे को एक थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। that's what I urge you to do, just try to have these elements in your life, चाहे वो फिर कोई 10% ही हो, चाहे आप एक काम करो जिसमें ये अप्लाई करो, बाकी लाइफ में अपना शोर रहो, चालू रहो, मटीरियलिस्टिक रहो, बट अगर आप ये करोगे I promise you it will change your life, it has to change your life. There is, it's a law, it's not theory, it has to change. इन पर आप करोगे ये तीन चीजें, चार चीजें, तीन बार अपनी जिंदगी में जरूर करोगे। पहला तो आपकी चाइल्डहुड में होगी, अपना जीवन का बचपन आपने ऐसे बिताया होगा, तभी आप किसी का भी बचपन उठाओ, he will always smile at his childhood. माँ बाप यूजलेस थे, स्कूल यूजलेस था, बल्कि हम सब जो बड़े हुए इंडिया में अब तो बहुत ऐश है, हमारे यहाँ ना आईपैड होता था, वो हफ्ते में एक वो रोबोकॉप आता था, हफ्ते में 10 मिनट का स्पाइडरमैन आता था, उस टाइम ही लाइट चली जाती थी, ठीक है, तो कुछ आता था, और नहीं तो एरिया ले जाता था, नहीं तो पापा मूड ऑफ हो जाता था। तो लेकिन वी स्माइल बिकॉज वी हैव नो ईगो फियर अटैचमेंट, वी वर प्योर इनोसेंट, एंड हमें कोई कुछ करना कैसे है समझ नहीं आता था, बट करना ये पता होता था, वी वर चिल्ड्रन, वी वर वेरी डिवाइन। That is the way you will raise your child. See, हर पेरेंट को कोई आइडिया नहीं होता बच्चे कैसे पालना, बट पाल ही लेते हैं, बिकॉज वो जेन्युइन कॉल होता है, अंदर से आवाज आती है, एंड ऑब्वियसली when you look after your parents. So just that's all I wanted to say, and maybe you will like the book also. The book is basically slightly a story, it's a fiction story, so it's not yarn, but it has elements of Gita and how a child can change your life. So that's all I want to say. Any questions, any points, any comments, please ask me. Be very frank here. Sir, Gita ठीक बोलो, आपने टीका लगाया तो लगता है काफी आती है आपको, डर गया। Any comment, any question, any message for Chetan? जरूर तो सर डांस और करना चाहिए। This is your second book? This is my second book. Which one is your first? My first book is it's called Complete Slash Convenient. See, I want to write about men. मुझे लगता है कि पिछले जनरेशन में औरतों पे अत्याचार हुआ था। I generally feel इस जनरेशन में आदमियों पे अत्याचार हुआ था। क्योंकि I think आदमी की बड़ी विचित्र सी कहानी है। सी औरतों का क्या हुआ है कि एंड ऑल रिस्पेक्ट टू लेडीज, इन्होंने इतना शोर मचाया, इन्हें जहाँ 10 चाहिए था इन्हें 20 दे दिया सोसाइटी ने, या लो अब चुप हो जाओ प्लीज, चुप तो अभी भी नहीं हुई, ठीक है। हुआ है कि एवरी स्टोरी अराउंड एनी प्रॉब्लम दैट अ वुमन फेसेस, उस पर आपको 10 दिन में 10 किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर उसकी पति का अफेयर होता है उस पर 10 कहानियाँ होंगी, अगर उसकी सास उसे तंग करती है उस पर 10 सीरियल होंगे, ठीक है। तो उसको प्यार हुआ, उसके साथ शोषण हुआ, कुछ भी हुआ, वो मैरी कॉम हो, वो चाहे किरण देवी हो, चाहे वो फूलन देवी हो, कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस वुमन, और जस्ट इमेजिन आदमी, या तो उसकी कहानी हुई वो कॉलेज में कितना बेकार था, ठीक है, उस पर खुश होते रहेंगे, ठीक है, 3 लड़के थे यूजलेस थे, ठीक है, इस पर पता नहीं हजारों कहानियाँ लिखी इन्होंने, या वो हुआ सुपर हीरो। और मैं तो दोनों नहीं हूँ, हमारे पापा के टाइम पे एक मोहन पालिका अंकल होते थे, ठीक है, उनकी फिल्में होती थी, वो ट्रेन में ही लड़की पटाते थे, है ना, और उनका बॉस होता था, डिफिकल्ट था। तो आदमी जो होता है उसकी जो लाइफ है, ऑल ऑफ अस गो थ्रू सो मच, राइट, लेकिन कोई रेफरेंस मैनुअल नहीं है। अच्छा, कोई बैठ के समझाता नहीं है बेटा तो शादी कर रहा है और ऐसे आपका होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं कई बार लाइफ में मैं मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाता रहा हूँ, और मैं बन गया मनमोहन सिंह। घर में माँ लड़ रही है, बीवी लड़ रही है, तो बदमोन से, ठीक है, म्यूट हिस्ट्री कर दी काइंड ऑफ में। ऑफिस में जाओ, कस्टमर भी गालियाँ देता है, बॉस भी गालियाँ देता है, फिर तो फोन रख, ठीक है। तो लाइफ में एज अ मैन यू गो थ्रू सो मच, बट देयर इज नो वन हु टेल्स यू व्हाट अ मैन इज गोइंग थ्रू। उस टाइम आप कितने हेल्पलेस, पावरलेस, आपको क्या फील हो रहा है। तो जो मैंने चाइल्ड ऑफ गॉड इज नॉट फादर बोला, व्हाट अ मैन फील व्हेन ही बिकम्स अ फादर, उसको क्या हो रहा है। कंप्लीट कन्वीनियंट वाज अबाउट हाउ अ मैन फील्स व्हेन ही गेट्स मैरिड एंड व्हेन ही वांट्स टू सेटल आउट ऑफ इंडिया। बिकॉज मैं वैसे गया था, तो वो क्या, वो करण जोहर की पिक्चरें आती हैं, वो सैफ अली खान बीच पे नाच रहा है, पीछे 50 लड़कियाँ नाच रही हैं, प्रीति जिंटा भी नाच रही है उसके साथ, फिर वो बिना शादी किए रह रहे हैं साथ। बाहर जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट बन जाते हो तुम, इतना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ होता है। वापस भी आगे बोल सकते कि यार वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तो आई वांटेड टू राइट अबाउट दैट कि एनआरआई एग्जैक्टली क्या होती है। सो इट वाज लाइक कंप्लीट व्हिच इज लाइफ इन इंडिया एंड कन्वीनिएंट, इट्स लाइफ आउटसाइड कंप्लीट और कन्वीनिएंट, व्हाट इज इट व्हेन यू फील। उस पे आई वांट टू गो एंड उस पे इट्स अबाउट व्हाट हैपेंस जब एक लड़का, तो यूजुअली हर कहानी खत्म होती है लव स्टोरी पे, जब लड़का लड़की मिल गए। तो वो चेतन जी मैं बोलता था यार हर कहानी यहाँ कैसे, कहानी तो उसकी शुरू तब होती है बेटा, ठीक है। किसी को मैकडॉनल्ड्स और पीवीआर पे पिक्चर दिखाना तो बहुत आसान है, ठीक है, उसके बाद घर पे आके उसके साथ निभाना मुश्किल है ना, एंड फॉर द गर्ल आल्सो एंड फॉर द बॉय आल्सो। सो व्हाट इज मैरिड लाइफ, व्हाट हाउ योर मदर बिहेव्स, हाउ यू बिहेव, how fatherless you feel, that was about it, and this is about childhood, fatherhood, sorry, so that आप पढ़ना वो भी अच्छी है, उसको भी काफी अच्छा, उस पे बाबू पिक्चर बना रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वो, जल्दी बनेगी। So how do you choose your subject before you start writing? नहीं मतलब like I said मेरे लिए बड़ा easy है कि whatever I experience and I see others experiencing, but nobody has said that is the story for me. अब इसी जैसे मेरा जो बेटा हुआ, तो सारी कहानियाँ तो माँ पे है। वो करण अर्जुन अगर आप देखो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, माँ 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 माँ, बाप भी तो है 50% शेयर होल्डर। मैं जब फादर बिजी रहते एग्जैक्टली, तो अब हमारे टाइम के फादर्स क्या होते ना, वो थोड़े दूर रहते थे। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू फील कि मैं इमोशनल हो जाऊँगा। मैं तो बोलता हूँ बीवी को तू साइड हो ना, मैं मानूंगा तू जा, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। सो द इमोशंस दैट एंड देन व्हेन आई बिकेम अ फादर आई रियलाइज हाउ मच माय फादर लव्स मी। सो द इमोशंस दैट मेन फील आर नेवर डॉक्यूमेंटेड। आर यू फादर? अभी आपको समझ नहीं आएगी, नॉट लीगली। अभी आपको लगेगा कि आई यू इन लव विद अ गर्ल, going to Thailand tomorrow. Are you in love with a man? तो ये तो आप बहुत ही बीटा स्टेज पे हो. तो अभी आपको जैसे सैफ अली खान का दिल चाहता है, उसको प्यार ही होता था. So you will meet women and one day you will fall in love and maybe you will fall multiple times in love and all that. But वो सब होके जब आप फादर बनते हो, when you see your child, you will realize वो सब illusion था, वो सब कुछ भी नहीं. आधा lust थी, आधा हार्मोन्स थे, आधा biological needs थी, आधे emotions थे. Real love is when you see your child. It's true for women also. You see your child, that's when you love. मतलब यार ये कुछ भी निकले, चाहे ये terrorist बने और चाहे मेरे को ये पलट के कभी ना देखे, मैंने इसको सारी ज़िंदगी याद रखा. That is love ना, that which you expect from your sexual partner. This is an impossible thing. So that I used to feel only mothers feel, but that fathers also feel. Father का तो रोल हमेशा मनीष पुरी को देते थे. So that is what I want. So I have written somewhere that it's amazing how men are falling head over heels in love with their children today. And when they see their child, then they realize because अभी तो picture शुरू हुई है लाइफ, अब मजा आएगा. So that's something I wanted to document because a lot of women are writing to me कि ये किताब पढ़ के I understand what my husband feels for my child. Because we are judged by how much we hold the child or how many diapers we buy. You know ऐसे छिछोड़ी चीजों में हमें judge कर देते हैं. प्यार क्या लेने देते हैं? That is what I wanted to do. Any other comment? Yes, ma'am. Sorry. A warm noon to one and all. I think I'm audible enough. Okay. A warm noon to one and all present here. My name is Ms. Dipti Krishna and I'm faculty member of Kalinga University, Nairaipur. And it was a thorough delight hearing from you. I'm also born and brought up in Mumbai, coming from the similar place, and met Chetan sir three times there and once here in Raipur also. So I find one similarity between only one. Apart from the similar voice tone and the smile, the way you people interact with, especially the youth, because even I met him interacting with the youth. You people have a very bold outlook. At the same time, students connect very easily with you. Maybe because the way you look is quite similar the way these youth look towards the society and things. So it was a thorough delight and on behalf of my university I would like to invite you to my house. Oh sure. Yeah. Thank you very much. That's very nice. चेतन तो मेरे को लगता है कि मैं उसे कहता हूँ कि यार तुम 40 के हो गए और 20 साल के इंसान से कैसे बात करते हो, जैसे 20 साल बीच के हैं. तो that he is I and thank you for that, but I don't know if you connect to me because मैं तो बुढ़ापे की बातें करता हूँ, बच्चे बच्चे नहीं बुझाएंगे. तो but thank you. I would love to come to your house. I had a small, you talked a lot about your visits when you were outside the country and when you were talking about schools and how what is the type of thinking that is developed in schools, typical regimental thought. So having said that, what do you think is the way out? That's a solution. That's a problem. That's a problem. I'll give you a solution, and I'm very glad. In fact, I see hope in these new schools, where I think पहली बार ऐसा हुआ है, as we were talking before the lecture, कि student का जो principal है या institution है, वो कोई CBSE government regimented नहीं है, और जो parent है, वो भी highly insecure नहीं है, कि बस pass करा दो 10वीं में नंबर है. So here I would like to adopt what Goras do. Again, I'm not saying we are inferior to them, but maybe they were a richer society a generation before, so we are just in the same curve behind them. That's it. Is experience. There is no way you can teach someone wisdom. I'll be honest. And you will fail. अगर मैं आपको गीता रटा भी दूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला, right? But जो life में essentially मुझे लगता है, maybe आपको या मैं आपको लगता होगा कि जैसे 30s के एंड में भी आके हमें लगता है हमने लाइफ जी नहीं. तो इफ द स्कूल टुडे जो पहला स्टूडेंट की तो एक साथ को पता पेरेंट में आएगा, but if the school can take students out to experience things, small, long, वो practicalities देखनी पड़ेगी, but जितना student experience करेगा ना लाइफ, उतना वो उठेगा, उतना वो enrich होगा. So this includes travel, this includes working, this includes society. अब ये सारा for example स्वच्छ भारत या useless रद्दी सेल्स मार्केटिंग के लिए कर सकते हो. This is only something a salesman practitioner can do. But frankly, you see, if really instead of telling our students cleanliness or godliness, we take them to a corner of a city and make them clean with them. That my school never did with me. तो मैं वो कर नहीं सकता. आज भी मैं 37 साल की उम्र में सड़क पे झाड़ू नहीं मार सकता, बट वो गलती मेरी नहीं, मेरे स्कूल और पेरेंट्स की है. उन्होंने मुझसे मरवाए नहीं, घर पे हमने झाड़ू मारे जब वेट नहीं आती तो वो मैं ठीक करता. सो द एक्सपीरियंशियल थिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. दैट इज द ओनली, आई मीन सिटिंग आउटसाइड इट्स इजियर टू कमेंट. दैट इज द ओनली थिंग इन लाइफ आई हैव सीन. जब आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आप फंडे क्लियर हो जाते हैं. That's my research. How have you thought about education of your own child? I mean, you must have after. घर में वो बैठी है ना शेरों वाली माता, मेरे साइड बाहर शेर करो, शेरों वाली माता के आगे बच्चे. बस मैं प्रे करता हूँ. देखो रोक तो सकता नहीं, मेरे बच्चे को भी वो इंसान बना देंगे, ठीक है. लेकिन मैं प्रे करता हूँ कि मैं वो दिलवाले दुल्हनिया का अनुपम हेयर टाइप पार्लर बनूँ. तो जब मेरा बेटा फेल हो तो मैं पूछूँ, तो मेरे को ठीक है हो गया. कौन सा अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या आई एस टॉप करके थोड़ी पटाई थी. तो क्या अच्छी बहू ले ली हो, उसकी माँ भी अच्छी हो और उसका पाव अमीर हो, सारी चीज़ें बिजनेस के जैसे क्लियर हो जाएगा. तो आई थिंक अगेन मैं वही कहता हूँ कि आंसर इज नॉट नो एजुकेशन. आंसर इज नॉट नो एजुकेशन बिकॉज नॉट एवरी चाइल्ड विल बिकम प्राइम मिनिस्टर. आंसर इज समवेयर इन बिटवीन द एक्सपीरियंस एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, विच मेरे को लगता है कि ही विल पिक रादर देन मी टेलिंग हिम. ही विल सी इट, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इट, यू नो. लाइक माई 4-year-old वन डे टोल्ड मी, पापा यू आर ऑल्सो ऑर्गन. I said yes, but you all don't say Papa. I said yes, but you still cry. I said yes. So मैंने फिर सोचा यार यहाँ क्यों बोल रहे हैं? I said yes. Oh, you don't know how to swim. Yes, Papa. See, I write. I don't know how to. So this is how they just pick it up. They just see it. That's the part we have to play with now. Okay, no more comments. Thank you very much, very patient audience. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Chetan Bhagat. The biggest question before the session was, is it Chetan Bhagat? Is it Chetan Bhagat? You know, we had to clarify. Jenga matlab Chetan Bhagat. I'm sure after this eventful evening or rather afternoon, everybody in this hall can now differentiate clearly between the Chetan Bhagat and the Chetan Bhagat. Thank you so much for the wonderful insight and the practical knowledge, and especially about men. Thank you so much. We request Pankaj Sharma, past chair, to present the memorandum to Chetan Bhagat. Very attractive. Super. Very touching. यहाँ भी अच्छे लोग बुक यार लिखिए. Please, you are neat. Okay? Yeah. See? And what is Anand? Thank you so much. It will come with Chetan Bhagat, and I'm sure it's a difficult task. So in one of the interviews I remember when he was asked, how would you differentiate yourself among so many other writers? And he said, do I have to do that first? I need to start from both, right? I need to start differentiating myself from Chetan Bhagat. So that's how it started, I guess. And he says, my stories begin where Chetan's end. And both of them are in very, very different genre of writing, if I can use that. So, and what is very, very, very interesting is that he says, if someone like me can write, so can you. And this is very encouraging because all of us young people sitting here, everybody has a different story. And you always want your story to be also told, somewhere or the other. And I'm sure all of us can do that. So that's something that I really thought it touched me. Now, there is another key differentiator before I speak about, you know, the regular lifestyle of Mr. Chetan Bhagat. What really differentiates him is that the grace with which he is able to handle the fame of his brother and the way he is able to make his mark through his writing. So that's quite an interesting thing. And the perspective that he brings in is the most ordinary. Now, being ordinary takes a lot of courage, doesn't it? So being ordinary takes a lot of courage and hard work, and doing the mundane is not easy at all. And we seem to be dismissing that in our lives. In the quest to read about somebody else's life or thinking and dreaming about what I can be, we are missing our present. And his book, Child or God, brings about that. So there is a review that came out. It said, amazing work, Chetan Bhagat. Your writing is straight from the heart and it touched me as a reader. Child or God gives us a chance to rediscover the real being in us who is playful, happy, and lives in the present. So I will not talk too much about Mr. Chetan Bhagat because I think he has a most profound and powerful story to tell us and touch our lives. So giving you all Mr. Chetan Bhagat, thank you so much for accepting us. Thank you. Women are very impressive, you right. I knew this at 17. Katrina Kaif would be my wife. Thank you very much, that was very kind of you. Obviously, I am Chetan Bhagat's brother, that's what my mother tells me. And obviously, in a 100-crore population, he has only one brother. So I can only thank God and my father for that. Right? Would have really insisted, I would have another brother or sister also. So, sharing Chetan's fame also would have been a competition, and now it's all mine. You wouldn't have heard much about me. Have you heard about me? Little bit. No. But I'm sure you hear a lot about Chetan all the time, especially when he dances on much It's very interesting, you know. Chetan is, as a brother, I find him really fascinating today, you know. Born genius, school topper, IIT, Amitabh gold medalist, and also had a girlfriend, you know. Big achievement, yeah. And then the things that he's weakest in, somehow he gets the most success in. There was one thing he always forgot in his life, was language. He used to get 95, 99, and then in Hindi or English he would get very low marks. And then हमारे घर में वो, you know, how the toppers में, I don't know if you are anyone topper here, कोई topper बन गया? Toppers are very different breed of people, you know. Like जो नालायक होता है वो पास होने की मिठाई मांगता है. So he is a very optimistic person. If I got 60, passing mark was 40. I I scored extra 20 for free, right? So I used to be very happy. But if you are a topper material, then you count kitne gaye, and then you are very unhappy. So even if you get 95, you are more worried about the 5 that are lost, right? If you got 60, you are thinking ye 20 extra kahan se aa rahe. So. And then he said, I'm going to become a writer. So I said, ah, Punjab case bhi likhoge tum. And obviously he found a lot of success in that. And then the second thing, I've never seen my brother Luz dance. He never danced. I've never seen him dance. And then he danced on national television in front of everyone. So it's a fascinating subject for me. I think all of you would have got this book. This is just, it's like a newborn baby only, even May. It's my experimentation with light and it's pretty successful. It's getting great reviews, thank you. And someone wants to make a movie also. In fact, we just commissioned a play on it also. So in 6 months time, 6 to 9 months, there will be a stage adaptation of Jai Gawai, and hopefully in about 2 years we should have a Bollywood movie on this also. So let's see how it goes. But you would not hear too much of me. I always think I'm an old soul. I don't believe so much in sales and marketing. So that, thankfully, my brother is pretty good at. So I will talk to you about something very different in life. Kafi range. I think you are beta. How old are you, beta? Aapki kya age? 18. There's an 18-year-old and. Obviously, Amitabh, you look young, but you are old, right? But my type, we try hard to look young. How old are you? 42. Yeah, so there is someone much younger to me and there is slightly elder to me also. I will not tell you follow your passion and you know, always have lunch with someone and you know, typical Robin Sharma and sell your Ferraris and Ferrari automobile Krishna, please. But I tell you something which I discovered during the course of writing this book. So very strange things happened to me. We were two brothers. One was like Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai category, so born successful. The other was normal, but wo relative hota na. तो मैं नॉर्मल था बट वो अपनॉर्मली सुपीरियर था तो मैं अपनॉर्मली इंफीरियर लगता था घर में. अगर आप 50 स्कूटर चला रहे हो 60 की स्पीड पर तो 60 अच्छा लगता है बट मर्सिडीज गुजर जाए तो स्कूटर बहुत ही स्लो लगता है. तो आई बिकेम दैट स्कूटर एंड सो क्या कर सकते हो तुम, मर्सिडीज तो बन नहीं सकते तो तुम बेसिकली देवानंद टाइप बन जाते हो, हर फिक्र को दुबई में उड़ाता चलता. 60 लाओ, 70 लाओ, 50 लाओ, सामने वाला तो 95 ही लाके खड़ा कर डांस तो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है. So I had a very different life and I enjoyed my life. So for me I was like a Punjabi boy and you know, no studies. I had very bad studies. I started my career as a waiter. So I remember जिस दिन चेतन का आई एम अहमदाबाद में होता तो मैं वेटर था, वेटर वो बोला था मैं आई एम अहमदाबाद में वो हो गया और मुझे 500 रुपये टिप मिली थी, मैं वो सेलिब्रेट कर रहा था. सो यू नो डिफरेंट लाइफ. एंड देन आई वेंट आउट ऑफ इंडिया लाइक मोस्ट लाइक पीपल डू, क्योंकि चलो इंडिया का तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता, अभी घर में चले जाओ. एंड देन आई लिव फॉर मेनी ईयर्स. आई लिव अब्रॉड, आई ट्रैवल्ड एंड NRI की तो शादी भी हो जाती है इंडिया में, शादी भी हो गई, फिर ऐसे यू नो नॉर्मल चलता. एंड देन मीनवाइल चेतन बिकेम फेमस एंड उसके घर जाओ तो कभी इनका जो प्रोडक्ट होती है कभी ये मतलब हुआ. तो आई गॉट टू सी डिफरेंट लाइफ्स एंड देन आई डोंट नो इफ एवर बीन अब्रॉड. आफ्टर अ व्हाइल जैसे 5 स्टार में बोर हो जाते हो तुम, आई गॉट बोर्ड ओवर देयर, कितना बीचेस में घूमोगे, कितना करोगे. सो आई केम बैक एंड लाइफ वाज जस्ट जनरली अबाउट चिलिंग आउट. EMI भर के घर खरीद लो, एक Honda City खरीद लो, किसी की शादी में डांस कर लो, 1100 रुपये शगन कर लो, सबका हो गया, पिक्चर देख लो सलमान खान की, खुश हो रहे हो. एंड देन माई सन वॉज बॉर्न. देन माई सन वॉज बॉर्न. इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी. मैं कभी फादर बनना नहीं चाहता, मेरे को आज तक समझ नहीं आई तो बच्चे की पैदा करता हूँ. बिकॉज फॉर मी सर एक जस्ट थिंग, आप सब बिजनेस करते हैं, आप सब बच्चा कितना सुपर टॉयलेट है 20-25 साल पैसा, एफर्ट, इमोशन सब लगता है और वो बिल गेट्स भी निकल सकता है और डाउट ब्रांड भी निकल सकता है, प्रोसेस सेम है। और इफ यू थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, पैदा जैसे तुम पैदा होते हो वो फिगर करनी शुरू कर देते हैं और जब तक या तो वो या तुम दुनिया से नहीं जाते हो फिगर ही करते रहते हैं। तो तुम पैसे खर्च रहे हो, टाइम खर्च रहे हो फिगर भागने के लिए। आई कुड नेवर फिगर आउट। But then when my son was born, I realized कि purpose of life is becoming a parent. सब clear हो जाता है क्या है life. And I became father quite late. I was about 33 when I became a father. And then I realized कि life क्या है. What Chetan is going through, what I am going through, what my parents are going through. Everything in life becomes very clear to you the moment you become. And who have not become parents तुम्हें समझ नहीं आएगी बात. But जब बनते हो तुम, when you see your child in front of you, I mean those who are parents will know, it's a very big moment for you. And then I thought कि क्यों हर species, every living organism, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो या शेर क्यों ना हो, ultimately वो parent बनता है। And वो parent बन के उसकी सारी जिंदगी वो बच्चा पालने में, ऐसे कुछ भगवान ने बनाया है कि हम उस बच्चे को पालने में अपने आप की पूरी जिंदगी भूल जाते हैं, you know, we pour ourselves. And that thing we only do to the religion we follow. If you think of God, भगवान के साथ ही हम ऐसे बिहेव करते हैं, भगवान कुछ दे ना दे, we are always, you know, pouring ourselves to God. In fact, जैसे हम भगवान को मंदिर में ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम बच्चे को घर में करते हैं। आप बच्चा घर में होता है तो आप गंदी बातें नहीं करते, ढंग से रहते हो, उसके अराउंड चलती है लाइफ। एंड जो मंदिर में जो आइडल होता है उसके अराउंड पूरा रोटी होता है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट आई हैव प्रिस्क्राइब्ड कि गॉड कम्स इन एवरी होम एज अ चाइल्ड एंड बाय द टाइम ही कम्स। हम सब थोड़े गंदे हो चुके होते हैं, थोड़े मोटे हो चुके होते हैं और घर बीवी सब सबसे बोर हो चुके होते हैं, तो हमें किक चाहिए होता है लाइफ का और हम दुखी होते हैं। वी See, by 30 and cover this in the presentation. By 30-35, you think more about limitations in life than what you have, and then उस टाइम बच्चा आता है। So God comes and He says कि यार इसी घर में इन्हीं घर वालों के साथ मैं तो बहुत खुशी से रहूँगा और जबकि मेरे पास कोई पावर नहीं। And how that attitude? You see, go inside a house, तुम अपनी बीवी से दुखी हो, लेकिन उसकी तो वो माँ है, वो उस पे दीवानी हुई हुई है। So कैसे वो एक छोटा सा बच्चा from your mother to your wife to your everyone will just attract that rockstar ability the child has. And amazing thing is you also had that when you were born. So आप भी तो बच्चे ही पैदा होते हैं. By the time you become an adult, by the time you become a father or a mother, nobody is interested in you, right? So just imagine 30 साल तुमने जिंदगी के बिता लिए and you lost that charm, that divinity, whatever. So that's the story I heard about a father, a man who has no understanding of life, काफी चटा हुआ है लाइफ से, you know, जैसे हम लोग उठी रहते हैं. And then he becomes a father, and then someone tells him this that you know if you want happiness in life, follow your child. And then he, as a father, takes on the child as his guru. बच्चे को ही फॉलो करता है, शुरू करता है बच्चा, मैं बच्चे से सीखूंगा, बच्चे को मैं नहीं सिखाऊंगा। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स चाइल्ड गॉड। डू रीड एंड डू लेट मी नो। इट्स अ वेरी लैटरल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट बट इट हैज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। आई एम वेरी सरप्राइज बॉलीवुड इज ऑल्सो लाइकिंग इट बिकॉज कहाँ बॉलीवुड में तो सलमान खान अभी भी को जल्दी पैसा नहीं करता है। सलमान को बच्चा ही लगता था। इनफैक्ट कवर ना जब मैं ये नॉवल लिख रहा था तो मैं गीता पढ़ रहा था। थोड़ा वही होता ना, नलायक आदमी को एक ही बार ट्यूबलाइट चलती है तो वो सब कुछ सीखना चाहता है, राइट? तो अब गीता लगा पढ़ो। आई डोंट नो किसने गीता पढ़ी है ना? गीता एक बुक है, लड़की ने तो आपने पढ़ी है सर। इंटरेस्टिंग बुक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक नाउ उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गीता अगर पढ़ो तो गीता क्या है, रिलीजन नहीं है. गीता इज अबाउट हाउ टू द एटीट्यूड यू शुड हैव टुवर्ड्स इट. तो जो एटीट्यूड जो गीता में लिखा है वो हर बच्चे का डिफॉल्ट होता है. मतलब फैक्ट्री से जब हम पैदा होते हैं गीता अंदर हमारे ब्लड में होती है. इट्स वेरी अमेजिंग जब आप पढ़ोगे. आई डोंट नो सर आप मानते हो है ना, वो डिटैचमेंट और वो मस्ट बी द प्रेजेंट बी ब्लिसफुल, ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट हर बच्चे में होती है. सो जस्ट इमेजिन गॉड इज टेलिंग यू, गीता कहते हैं भगवान ने लिखी है, चलो मान लेते हैं. अब गीता भगवान ने लिखी कि ऐसे बिहेव करना और बना कर वैसा कर. जस्ट इमेजिन how divinely powerful we are as when we are born. Then by the time we become adults, हम totally change हो चुके हैं, quite different हो चुके हैं, right? It's so fascinating. And then we teach the children, you know. So we जिनको खुद कुछ नहीं आता, the light number gate, you know, like when I five sometimes, इनकी इसको कुछ सिखाओ, इनकी इसको अगर इसके दादा ने बता दिया कि हम कैसे थे, अरे बाप रे बताएं. So how we change. That's the whole concept. But the point is, now when I see life, and you know, I have written the books, I work for a company, I become a father, blah blah. When I see life, everything in life is in the mind. आपकी thinking क्या है, आप क्या सोचते हो? You know, सोच जो है, उससे आपकी destiny काम हो जाती है, which is totally in your hands. So in a way, you know, आप क्या सोचते हो, reality बन जाता है. और जो आप सोचते हो वो आपके हाथ में. सो वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ यू कैन गेट बाय जस्ट थिंकिंग. बट अनफॉर्चुनेटली कैसे हो गया कि इंडिया में 60 साल से गरीबी है. एंड आई सॉ सम ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स, बट इंडिया में अभी भी हमारी कंट्री का बहुत बुरा हाल है. एंड देन कैसे पूरी इंडिया की सोच यूजलेस थी, पूरी इंडिया की सोच काफ़ी यूजलेस हो गई. दैट इज समथिंग दैट फैसिनेटिंग एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू जस्ट ये एवरेज लाइफ हम लोग कैसे जीते हैं. एंड आई जस्ट टेक यू थ्रू अ फ्यू स्लाइड्स, बट अगेन मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, मतलब आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रेस गर्ल्स एंड यू नो, सो मैं भी आप ही कर रहा हूँ. सो चैलेंज मी एंड लेट मी नो, लेट्स फिगर आउट हाउ टू लिव लाइफ रादर देन यू नो ट्राई टू. इज दैट ओके? बाकी प्रियंका जो होगा जिससे मेरा वो ही पूछ रहा है, मेरे को पता नहीं है, मेरे से तो नहीं डेफिनेटली. ठीक है, Typically, I ask a lot of people कि यार मेरी हम लोग गरीब देश है, जो अमीर है वो अच्छी सोच रखता है, वो different सोच रखता है. I meet a lot of businessmen and I meet a lot of industrialists. अगर जितना बड़ा कारोबार उतना बड़ा उसे विश्वास माना जाता है. So how much is your network is a factor of how much is your thinking, which is quite stupid actually. क्योंकि अगर आप थोड़ी सी जिंदगी जियो तो आपको क्या होता है, बहुत सी चीज़ों से आप सक्सेस पाते हो. आप luck for the right place, right time, blah blah blah. So it is not a factor of money, and that is the first thing I want to tell you, because every one of us is only thinking about how to make money. That is the only thing we think, except for something that we are forced to do. अगर आपको पुलिस केस हो जाए तो आप सोचोगे ये क्या करना. अगर यार पुलिस के बारे में सोचते भी नहीं, तो सोच is not money. मनी इज इंसिडेंटल. सर आपने गीता ब्रेक में प्लीज करेक्ट करते रहना, आई वाज लर्निंग, तो मेरे को इतना आता नहीं. सो डोंट थिंक कि पैसे वाला आदमी को बड़ी जरूरत होती है. कुछ बड़े डबल लोग होते हैं, बड़ी किस्मत वाले होते हैं, कुछ बड़े टैलेंट होते हैं, नहीं होते किस्मत वाले. हम तो वैसे हैं, हम सोचते हैं ठीक है, लेकिन लाइफ में अगर आप सिर्फ पैसे ऐसे थिंकिंग फ्रस्ट्रेटिंग थिंकिंग फॉर मी. See, thinking for me is when you're born. Now, thinking is absolutely default given to every human who's born. Actually, every animal also. Thank you. So, होगा क्या है? All of you at times will think in life कि यार मैं इतना intelligent नहीं हूँ, मेरे में इतनी ना vision नहीं है, मेरे से ना different सोचा नहीं जाता. बट एक्चुअली में और आपके पास मानोगे क्योंकि आप गरीब हो गए या आपको लगेगा आप अनसक्सेसफुल हो, तो सो योर थिंकिंग इज इफ इट रिजल्ट इज नॉट कम योर बी. बट इफ यू एक्चुअली सी एनी चाइल्ड, वो आप सड़क पे कोई भी बच्चा देखो, ही विल थिंक वेरी डिफरेंटली. एंड दैट मीन्स आपके अंदर वो एबिलिटी है, नॉट बिकॉज आप कोई खास हो बट बिकॉज आप ह्यूमन हो. एवरी ह्यूमन इज बॉर्न लाइक, मतलब स्पिरिचुअली. नाउ नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली एवरी एनिमल इज आल्सो बॉर्न. नाउ व्हाट इज दैट थिंकिंग एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर बॉर्न यू कैन थिंक वेरी वाइड. एंड वाइड इज बिकॉज जस्ट द नेक्स्ट लाइफ स्पिरिचुअली यू कहते हो सर, बिकॉज यू फॉलोइंग व्हाट यू कॉल द धर्म. नाउ धर्म थोड़ा रिलीजियस ना धर्म, जरा सोचो आप, एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट यू हैव टू डू टू बी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप शेर हो, आपको भूख लगी, आपको खाना खाना, अगर आप खाना नहीं खाओगे आप मर जाओगे. नाउ टू ईट यू हैव टू किल, सो दैट इज योर धर्म. बट अगर आप सलमान खान हो, दारू की गाड़ी चला रहे हो और आप किसी को मार देते हो, वो आपका धर्म नहीं है. आप जिंदा रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं उसके बिना. सो दैट इज अ धर्म एंड दैट इज धर्म. सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लीगली मोरालिटी स्टैंडपॉइंट. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस अगर बच्चे को अगर देखोगे, बच्चा काफी सेल्फिश होता है, दीवाने आप हो रहे होते हैं उसकी, वो नहीं हो रहा, वो अपने में मस्त होता है. ठीक है, और वो तो बस ये देखता है कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी, राइट. बट जितना भी सेल्फिश बच्चा हो, आपको क्यों कौन इनोसेंट भी लगता है, बिकॉज वो अपना धर्म कर. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी होती है, सलमान इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. जितना चाइल्ड लाइक होता है लोग उसे इनोसेंट ही मानते हैं, मतलब उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते, बिकॉज हमें लगता है कि इसको पता ही नहीं है, ये तो मस्त है. तो धर्म करता है बच्चा. बट अब होता है आप सब पैदा हुए डिवाइन फीलिंग के साथ, डिवाइन एबिलिटी के साथ, और अपना धर्म कर रहे थे. बट एक प्रॉब्लम हुई कि आप एजुकेटेड घर में पैदा हुए. ठीक है, और तो जैसे ही पैदा हुए What happens is, एक बिजनेस केस आपके आगे आएगा जो आप हर घर में होता है कि you know you have to get educated. क्यों करना है एजुकेशन? क्योंकि अगर आप एजुकेशन हो तो आप empowered हो. We have a school principal here, so probably he'll beat me for this. And you will get, you know, we all intrinsically believe that. In fact, I don't know, schooling और college जैसा बर्बाद चीज दुनिया में नहीं होती. जो attend कर रहा होता है वो भी दुखी, जो चला रहा होता है वो भी दुखी, और जो भेज रहा होता है वो भी दुखी. ये बात हो सकती है. मेरा बेटा स्कूल जाता है, उसको सुबह उठो, पहले वो रिलेक्टेड कस्टमर फीस भी बैठो, तैयार भी बैठो, जबरदस्ती भी बैठो, बुरा भी बैठो. और वो स्कूल की टीचर ने कोई आईपैड की ऐप बना दी है तो कुछ भी वो होमवर्क दे देती है, वो भी करवाओ. मतलब इट इज अ टॉर्चर. 25 साल का लोग, मतलब आप देखो 75 साल की उम्र अगर आपकी, समझिए 75 ईयर्स का हो, तो पहले 33% तो आप इस टॉर्चर से गुजरते हो, चॉइस ही नहीं है. बट ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सब मानते हैं कि आप एजुकेटेड हो तो ये हुआ. 25 साल का जब आप निकलोगे ना, आप बड़े एम्पावर्ड हो गए, आप बड़े बेटर ह्यूमन बींग हो गए. तो उस चक्कर में वो पूरी सोसाइटी का रगड़ा होता है, त्यार जेल सब जाते हैं, सारे बच्चे त्यार जेल से जाते हैं. अगर ये सच होता, just go to the next slide, then reality ऐसी नहीं होती. See, if you actually see, India में educated लोग सबसे दुखी हैं, है ना? आप एक्चुअली देखो, 25 साल निकलने के बाद आदमी जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता. ठीक है, बस वो बोलता ही है. ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शर्ट कपड़े पहन भी होता है, क्योंकि उसमें हो क्या है कि जो एजुकेशन है, आई डोंट नो सर यू कैन कमेंट, तो मुझे लगता है कि स्कूल पढ़ाता, पढ़ाई मतलब विजडम होती है, राइट, विजडम. बट पढ़ाता नहीं है, किल कर देता है विजडम तुम्हारी, यू नो, वी किल क्रिएटिविटी एंड वी ट्राई टू पुट इट एज अ प्रोसेस. वो फैक्ट्री मॉडल बन चुका है. सो आई थिंक एनफ 3 डेट्स वगैरह बन चुके हैं, सो वी नॉट स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट. बट द पॉइंट इज, आप पैदा हुए डिवाइन थे, एकदम विजडम था, एक रॉक स्टार वाली एबिलिटी थी आप, लेकिन 25 साल के कारावास के बाद जब आप कल्लू से कालिया बन के बाहर निकलते हो, ठीक है, तो इट यू हैव अ ईगो ऑफ एजुकेशन. ठीक है, क्योंकि यू कैन लॉग इन टू फेसबुक, यू हैव दैट एबिलिटी, यू कैन मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. ठीक है, बट एंड ऑफ द डे यू आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू एक्चुअली लिव इन द लाइफ, व्हेन यू गो थ्रू द एयरपोर्ट्स एंड द डर्टी रोड्स एंड ऑल दैट, दैट इज व्हेन यू रियलाइज तुम इतने एम्पावर्ड हो नहीं. भाई इतनी बढ़िया लाइफ है राइट, होता क्या है नेक्स्ट लाइफ में, बट बाय दैट टाइम आपकी जो थिंकिंग है वो एक ऐसे हो चुकी है। आज की डेट में व्हेन आई टॉक टू आई डू लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड आस्क पीपल, हर आदमी सिर्फ ऐसे ही सोच सकता है, लॉजिक और पैटर्न प्लान यू नो प्रिपरेशन नॉलेज सर्टेनिटी गारंटीज, ये बड़े ऐसे। अगर कोई भी इंसान से आप बात करो यू नो दे वांट दिस एलिमेंट टू बी देयर इन द कॉन्वर्सेशन, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ स्पिरिचुअली पर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी डिफरेंट हो गई एजुकेशन से। विजडम क्या है, गीता क्या है? गीता कहती है कि अगर कोई भी तीन ट्रेड्स होंगे ना आपके एक्शन में, ईगो अटैचमेंट, अटैचमेंट इज रिजल्ट एंड फियर, कोई भी काम अगर इन तीन चीजों के आसपास करोगे तो मोस्टली फेल ही होगे, बहुत दुखी होगे। लेकिन वो क्या क्या, क्योंकि आपके ऊपर की थिंकिंग है, आप काम इन तीनों के वजह से ही करते हो। जिस थिंक कोई भी काम आप करते हो तो ईगो अटैचमेंट को रिजल्ट चाहिए, ग्रीड है या टैलेंट, इसी की वजह से करते हो। बच्चा इन तीनों की वजह से नहीं करता। 25 साल पहले जब पैदा होते हैं ये कॉन्सेप्ट एक बच्चे में होता नहीं है, there's no concept of ego, there's no attachment of ego. लेकिन जब तक आप उस फैक्ट्री ऑफ बुचर शॉप एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलते हो और रियलिटी में आते हो, आप इन्हीं तीनों में काम कर सकते हो। इसलिए पूरी सोसाइटी इज गियर्ड अराउंड दिस। पुलिस वाला भी आपको डराएगा राइट, बॉस अटैचमेंट दिखाएगा राइट, और लड़कियां तो बहुत ही ईगो पे डाल देती है ना, बुढ़े हो गए हो अब तुमसे नहीं हो रहा, ठीक है काम करना है, ठीक है। सो दैट इज जस्ट अ ग्लिम्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कि आप इसलिए थोड़ा हट गए, आपकी थिंकिंग ही पूरी पलट चुकी होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता जब आप यंग होते हो। आप 25 साल में निकले आप तो ये हो रहा है, अभी आपको पता ही नहीं चलेगा। यंग लोग आपको लगे क्या अंकल बुढ़े बातें कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट रो वाले क्या फिर भी शायद सेंस करें, आई डोंट नो क्यों आपको पता नहीं चल रहा। नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ना हमारी लाइफ बिफोर 30s ऐसी होती है, ठीक है। इंडिया में बड़ी अजीब सी चीज है, ठीक है, इंडिया में ना जवानी बड़ी सेलिब्रेट होती है, जैसे कि मतलब जवानी ही है सब कुछ, मतलब आप देखो सब जवान, राहुल गांधी भी यूथ कांग्रेस, ठीक है, और हीरो भी सारे यंग। और जब कोई यंग होता है वो इतने खुश होते हैं नहीं तो होता है कि यंग इंसान जो 30s तक आता है उसको तो सोचना ही नहीं देते हैं, ठीक है, उस पर इतने सवाल करते हैं, उसके सारे लाइफ के डिसीजन सभी करवा देते हैं और उसकी पार्टी शुरू हो जाती है। तो अगर शादी इतना बड़ा फंक्शन ना होता तो आधे लोग तो शादी नहीं करते, तो पार्टी के लिए शादी कर लेते हैं, ठीक है, उनको तो शादी करके तो आपको पता नहीं चलता। एंड एक तरफ से तुम्हारा स्कूल कॉलेज का प्रेशर और एक तरफ से आप 20s का टाइम का याद करो तो क्या होता है कि तुम नहीं जाते हो, फिर तुम्हारे को लोग देखने आ रहे हैं, तुम लोगों को देख रहे हो, ठीक है, और मतलब ऐसे टिकलिंग सी फीलिंग आती है, लोग तुमसे पूछते हैं और बेटा। पर मेरे को याद है कि जब मैं ऐसे मैं घर में छोटा हूँ तब, अभी भी हूँ बट तब तो लगता भी था, और लड़ाई एक नंबर का, हमने तो घर से बाहर निकाल रखते थे। तो जब मैं लड़कियाँ देखने गया तो वो इतनी इज्जत से बात करते थे, लड़का है, मैं कहा यार ये है, इन्हें मेरी कदर है, इनको समझ नहीं है कौन है, ये गधे हैं मेरे घर वाले, तो क्या वो आइए केतन जी बैठिए, मेरे जो प्रोस्पेक्टिव ससुर सोचते थे आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो जो यंग आदमी होता है उसको कुछ पता होता नहीं है क्या हो रहा है, उसका नई नई नौकरी ज्वाइन की होती है, उसने शायद नई घर खरीदा होता है, नई गाड़ी खरीदी होती है, नई बाइक खरीदी होती है। सडनली जिस आदमी को लड़कियों को से मिलना ना होने का, उसके ब्रेकफास्ट टेबल में 10 लड़कियों की फोटो रख देते हैं, चूज करो कौन सी, ठीक है, या लड़कियों के साथ भी होता है, तो उसको पता नहीं चलता क्या होगा। और जब तक वो 30s में आता है, ठीक है, अब ये जवानी सेलिब्रेट होती है, मैकडॉनल्ड से लेकर पिक्चरें सब जवानी जवानी, हर स्टोरी के आप हीरो करते करते कब 30s आते हैं पता नहीं चलता। और 30s आते हैं जब लाइफ ऐसी बन जाती है, ठीक है, और ये लाइफ जो है ना आप तो 30s में आकर रियलाइज करते हो यार ये क्या हुआ, तो होश आता है यार। जब तक होश आता है बच्चा हो चुका होता है, कोई 20-30 साल का लोन ले चुके होते हो, शादी को 6-7 साल हो चुके होते हैं, जॉब को 7-8 साल हो चुके होते हैं, तो मैं समझ ही नहीं आता यार। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, सबको ना एक सेकंड में लूज इंटरेस्ट है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई और करियर नहीं बना तो सारे आपका इंटरेस्टेड। जैसे आपकी शादी हो गई, करियर हो गया और एक बच्चा हो गया ना, आप अनुपम खेर हो बेसिकली। आप आओ आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो, ठीक है। आपने कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे मैंने किताब लिखी, मैं जब लिख रहा था किताब तो लोगों ने बोला यू आर मैड, तुम चेतन भगत के भाई हो, तुम किताब लिख रहे हो तो तुम तो सुहेल खान हो, तो अभिषेक बच्चन हो, ऐसे ही होते हो, मतलब तुम तो कॉपी कैट हो। मैंने कहा यार मेरी तो वैसी कोई इज्जत नहीं है, मैं तो आशीर्वाद नहीं जाऊँ पार्टी पे, क्या हो जाएगा इसी बारे में इसको पता चलेगा ना। तो व्हाट हैपेंड इज आपने 25 साल तो पहले वो अपनी थिंकिंग पलटी, पूरी पलटी, पलटते ही बाहर निकले, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लगी लाइफ, लेकिन बिफोर यू कुड नो सोसाइटी के ऊपर बड़ी अटेम्प्टिंग डिशेज ऑफर करता था। चलो हनीमून पे चले जा, चलो तू ऑन सेट कर ले, चल तू ये कर ले, अच्छा तू ये बता कि घोड़ी में जाएगा बारात में या मर्सिडीज में जाएगा, तो यही चीज़ें लग जाती है। 2-4 साल बीतते फिर बच्चा हो जाता है, पर 30s में आके फाइनली तुम्हें हिट करता है कि यार ये हुआ क्या मेरे लाइफ में, कर क्या हुआ, ठीक है एक्चुअली होता है। क्योंकि क्या होता है, और ये यंग लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो 18 साल की लड़की को तो मैं बहुत बड़ा उल्टा लगवाऊंगी, ये तो बाबा रामदेव शेर करके आ गए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आई स्वेयर बेटा, जैसे आप यंग फील करते हो मैं भी यंग फील करता हूँ यार, दिल बच्चा ही रहता है नहीं अमिताभ। ये स्कूल प्रिंसिपल है, मतलब हर सिर्फ आशीर्वाद देने तो नहीं जाते। तो अब होता है तुम यंग फील कर रहे हो और लोग तुम्हें बुढ़ा मान रहे हो। तुम 30 साल से तुम्हें आदत है पूरी दुनिया तुम्हें इंटरेस्टेड है और अब कोई नहीं है तुम्हें इंटरेस्टेड, यू आर लाइक अ सुपरस्टार हु गॉट ओल्ड, ठीक है। अरे यार हुआ क्या, सुनो तो मेरी तो मानो कोई नहीं इंटरेस्टेड हो, और तुम जिसमें इंटरेस्टेड हो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं सनी लियोन से मिलूं गले भी नहीं लगा सकता हूँ सर, तो एक बच्चे का बाप को शादीशुदा हो आया तो बिहेव कर सकता, शेखर की तो मुझे 5 सेकंड में वापस ले लेना है हाथ, मतलब वो मेरी पता नहीं कैसा फ्रस्ट्रेटेड इंडिया में ऐसे लांछन लगा, ऐसे ऐसे तुम्हें बिहेव करना पड़ता है। तो बड़ी विचित्र सी समस्या आती है, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट स्लाइड होता क्या है कि we start behaving frustrated and that is why if you look at Big Boss दिखता है वही Big Boss कुछ नहीं है, frustrated आदमियों को पिंजरे में डाल दो, लड़ेंगे वैसे भरे पे कोई नहीं पूछता। अब ये सोचो कि अगर Big Boss में 18 साल के लड़का लड़की को डाल देते कोई लड़ाई नहीं होती, सब प्रेग्नेंट हो जाती और शादी हो जाती, ठीक है ना। सब प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं, वहाँ पे पार्टी चल रही होती है, यो हनी सिंह के गाने चल रहे होते हैं, लेकिन जो 35 साल का आदमी है वो इतना चढ़ा हुआ होता है, वही मुझे माफ कर होते हैं तू है कभी ना और वो हमें एंटरटेनमेंट लगती है, बट वो रिप्रेस्ड इमोशंस ही हैं दोबारा, है ना। जिनका तो देख क्या है वो क्यों अरमान कोहली लड़ रहा है, क्या है उसको प्रॉब्लम, क्या है उसकी प्रॉब्लम ही है, उसको भी पूछता नहीं। और रियल लाइफ में मैं अरमान कोहली, ठीक है, मैं तो शाहरुख खान हूँ नहीं, मैं रणबीर कपूर हूँ नहीं। So this is what most of you will go through if you are not going to change your thinking. And that is why हमारी इंडिया की थिंकिंग में millions of people are getting added every day, तो ऐसे ही सोच रहे होते हैं। फिर एक और पूरी एक इंडस्ट्री है जो उनको समझाती रहती है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, बट एंड ऑफ द डे वो फंडामेंटल फैक्ट्री के प्रोसेस मॉडल में ही गड़बड़ है, प्रोसेस में ही गड़बड़ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और जले पे नमक छिड़कते हैं लोग। मैं बोलूँ तो क्या होता है, एक तो तुम बुढ़े, तुम फ्रस्ट्रेटेड, बुढ़े तो नहीं बट चलो लेबर्स बॉर्डर बुढ़ा जवान, यू नो। और जो मेरी एज में आते ना वाहियात चीजें होने लग जाती है जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते। जी स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं कि पढ़ लिख लो अच्छी लाइफ हो जाएगी, अगर तुम पैसा कमाते हो तो तुम्हारी वाइफ सुंदर होगी, क्योंकि वो कहते हैं अगर कुछ बन जाएगी तो तुमको बड़ा करियर होगा तेरा या बड़ा होगा, बड़े बड़े सबके सपने होते हैं। लेकिन जब 35 की उम्र में आते हो ना तो तुम्हारे को क्या होता है कि कुछ लोग दिखते हैं Just next slide. जैसे कुछ बाहर लोग मिले होंगे तुम्हें लाइफ में, आपके भी स्कूल कॉलेज में ऐसे फ्रेंड होंगे जैसे लड़कियों के होते हैं, वो लड़की इतनी सुंदर नहीं होती उसकी से, या हम लड़कों का होता है कि कोई एक लड़का होता है हमारा चप्पू सा दोस्त, ठीक है, इसके पापा भी होते हैं तो हम उससे दोस्ती करते हैं, उसके पास कार होती है या बाइक होती है, लेकिन वो हमें लगता है ये डफर है, ये बंदा का कुछ नहीं हो रहा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। और लड़कियों को भी होता है यार ये इतनी सुंदर नहीं है, मैं अगर आज ऋतिक रोशन आ जाए तो मेरे पे लाइन मारेगा, इसके ऐसे हम सब सोचते हैं, वी आर ऑल कंपैरेटिव ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन आपको मैं बताऊं कोई 35 की उम्र तक आप आते हो कोई गधा या गधी जो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थी, जिसकी शक्ल शायद ऐसी थी, तो उससे मिलते हो अचानक से 10 साल बाद और तुम्हें दिखता है अरे यार इससे जिसकी कोई शादी नहीं होती थी उसकी बीवी ऐसी हुई है। ये रियल स्टोरी है, मैं बोला नेक्स्ट टाइम दिखा सकते हैं। दिस इज सीन एंड ये इसकी वाइफ है, हाइडी टू, अब तो डिवोर्स भी हो गया, पर ये इतना तुम्हें हिट करता है कि तुम पढ़ते लिखते रह गए। कोई था जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था, कोई आइंस्टाइन नहीं था, और वो ले गया हाँ। और सलमान खान को लगता होगा यार अभिषेक बच्चन भी तो ऐसा होता है नहीं, क्योंकि कुछ लोग वैसे नहीं जी रहे होते जैसे आप जी रहे, उनकी थिंकिंग बाय डिफॉल्ट होती है, बाय चांस फैक्ट्री मॉडल से वो बच गए होते। नाउ दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दे आर एक्सेप्शंस टू द रूल, बट अनफॉर्चुनेटली दे बिकम ग्रे, वो दिखने लग जाते हैं जैसे जैसे उम्र जाती है, और तब तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यार मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों किया, फिर तो मैं सुनता रहा सबकी, मैं एक फैक्ट्री मॉडल में चलता रहा। तो क्या करते हो 35-37 साल की उम्र में आके, आप ना सोचते हो क्या कर पड़ेगा, फिर काफी बहाने सोचते हो, सब सोचते हैं यार मेरी किस्मत खराब है, मैं गलत फैमिली में पैदा हो गया, ठीक है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं इतना इमोशनल ना होता, या फिर आप सोचते हो यार मैं ना एथिकल आदमी हूँ, इज्जत के मेरे को चैन से रोटी खानी है, चैन से सोना है, अपने आप को समझाते रहते हो, ठीक है ना। और लेकिन एंड ऑफ द डे यू आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग व्हाट वेंट रॉन्ग इन माय लाइफ। ऐसे पिक्चर में इंटरवल आ गया और आपको लग रहा है यार फिल्म अमोल पाले में टाइप ही बन रही है, बजरंगी भाईजान नहीं बन रही, सीटियाँ नहीं बजने वाली इसमें, कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये सब तो तुम सोचते रहते हो, कितने लोगों से आप मिलो, एंड आई डोंट टेल यू गर्ल्स बिकॉज़ वी मेन समटाइम्स सिट एंड ड्रिंक, दैट्स ऑल वी डिस्कस, ठीक है, फलाना कितना कमा रहा है, फलाना कितना ऐश कर रहा है, हम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हम अपने सारा किस्मत वाला है, और फिर मेरी तो भी गलत इंसान से शादी हुई, या मैं गलत घर में पैदा हो गया, या मुझे गलत गाइडेंस मिल गई, ये सब करता है। इनफैक्ट उस टाइम पे हमारे घर वाले जिन्होंने हमें एजुकेशन के तैयार में डाला होता वो फिर आते, क्योंकि हमें आदत होती है मम्मी के पास जाते हैं, कन्फ्रंट यानी क्या था यार, क्या मजाक बनाया आपने मेरी जिंदगी का, ठीक है। तो वही घर वाले जिन्होंने लॉजिक सिखाया है अब वो इलॉजिकल बातें करते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं और 25 साल के बैठ में उस टाइम एक नई इंडस्ट्री आती है आपके आगे। अभी आपको आस्था चैनल ही देखते हुए आप सभी अनुभव, ठीक है ना, आप तो जूम टीवी देखते हुए, लेकिन धीरे धीरे फिर आप फ्लिप करते हो और फिर होता है बेटा एक काम कर दूंगा आसाराम बापू का तेरे को समझ आए, फिर ऐसे करके हमें भगवान की तरफ डालता है। लेकिन भगवान क्या है, लोग घुसने की कोशिश करते हैं, वही गलती करते हैं जो एजुकेशन के टाइम करते हैं, भगवान क्या जाते हो तो फिर कौन देते हैं, ये सब हो जाते हैं, है ना। तो चाहते थे एजुकेशन में विजडम जाना, वो स्कूल कॉलेज में करप्ट मिल गए, फिर जब भगवान की तरफ जाओगे फिर करप्ट मिल गए। अल्टीमेटली क्या होता है, आदमी जो है ना स्पिरिचुअल होता है ना मटेरियलिस्टिक होता है, मटेरियलिस्टिक क्योंकि वो कभी है और स्पिरिचुअली वो गलत आदमी, फिर फंसेगा, फिर यहाँ उठता है, फिर फाइनली क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है टीवी देखो। मैं अल्लाह को सामने बोलता हूँ भैया तू आज का अमिताभ बच्चन है, ठीक है। फिर क्या होता था 70s में हिंदुस्तान बहुत ही गंदी जगह थी, ठीक है, तो हर आदमी के अंदर थोड़ा गुस्सा था। तो अमिताभ बच्चन यूज टू प्ले दैट रोल कि मैं एंग्री यंग मैन हूँ और मैंने आके मिनिस्टर की भी पिटाई कर दी, मैंने डाकू की भी पिटाई कर दी और मैंने लड़कियों को भी बचा लिया और मैंने सब कर दिया। तो अंदर से ना हम सब जो हमारे पापा लोग थे उस टाइम जवान पापा हमारे, सोचो इमेजिन करो पापा जवान आके वो पिक्चर देख रहे हैं तो जो अंदर से उनको खुंदक है ना वो दिखता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं ही मारूंगा, ठीक है। वही एग्जैक्ट चीज अर्नब गोस्वामी हमारा है ना, वही है ना, मैं इसको ही सुनाऊंगा, मैं उसको ही सुनाऊंगा, मैं इसको ही सुनाऊंगा और कुछ नहीं करता। न्यूज तो कभी मैंने न्यूज तो सुनी नहीं, जो केस आते वो बेचारे बोल तो बात नहीं है, अंदर हमारे वो एंगर है। एंड देन इवेंचुअली वी सेटल्ड ऑन कि दुनिया में कुछ नहीं रखा तो एक काम करते हैं अपनी जिंदगी बोलते हैं केजरीवाल क्या कर रहे हैं ये सोचते हैं, चल अगले 30 साल हम ये डिस्कस करेंगे केजरीवाल क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, एंड देन वी गिव अप ऑन लाइफ। बट इट्स अ वेरी बिटर जर्नी and it's a life wasted, 60 years of your life you will waste because तुम पहले जो है पहले कुछ हो रहा था फिर कुछ हो रहा, and that is all because that single thing कि जो education है और wisdom है ये synonyms नहीं है, दो अलग वर्ड्स नहीं सर, I don't know, क्योंकि हम जो चीज से पैदा हुए थे उससे हमें अलग कर दिया गया। अगर उससे पास आ जाते हैं हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। and I'll give you four examples क्योंकि गीता तो मैं आपको समझाऊंगा तो आप सो जाओगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको चार एग्जाम्पल देता हूँ जो स्पिरिचुअली लॉज है, रिलीजन नहीं है, प्लीज रिलीजन एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि कुछ लोग हैं दुनिया में जो ऐश नहीं जा रहे यार, तो जर्नी काफी इरिटेटिंग हो जाती है। इनफैक्ट आपको बोलो तो मेरी उम्र में और ही प्रॉब्लम हो गई है, पहले तो मुझे मिलते थे जो मेरे साथ वाले ज्यादा ऐश कर रहे हैं, आप मुझे मिलते हैं मेरे छोटे हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं तो और भी जगह नमक छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे दो आपको, मैं इतनी मेहनत से रोटी रोटी कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ये जोक्स मार के पैसे कमा देता है कपिल शर्मा, कितनी इरिटेटिंग बात है। और ये सिंगल भी है, ठीक है, और करोड़ों करती है, और वो तो मेरा भाई है, वो किताबें कितना छोटी छोटी बिकती है इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। यार सबसे खुद तुमने विराट कोहली से यार मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसको पैसे भी मिलते हैं और वो अनुष्का देखने आती है, हम अनुष्का को देखने के लिए पैसे देते हैं, उससे मुझे वो सीख नहीं आती, कितना डिफरेंस है। बट कमिंग में चार लॉस में आपको सिर्फ सिखाऊँ, चार बोल रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी। पहला जो मैंने आपको कहा था कि ईगो अटैचमेंट ऑफ इट, ये जो तीन चीजें हैं ना ये हमारे डीएनए में इंग्रेड है। आपका कोई भी एक्शन ईगो अटैचमेंट और फियर के बिना नहीं होता, जिसको फिर अगर इन चीजों को छोड़ दिया तो लोग उसे पैशन बोल देते हैं। पैशन वैसे अलग चीज है, इट इज नॉट दैट, बट ईगो अटैचमेंट और फियर के अलावा जब आप कुछ करोगे तो लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्स कहता है कि आपको सुप्रीम इनफाइनाइट पावर मिलेगी, वो पावर से आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी और सक्सेस मिलेगा। ये दौर है, इसका लॉजिक मत होता क्योंकि आप लॉजिकल लोग हो, 2 मिनट में लॉजिक साइड कर दो, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। गीता कहती है कि सारी जिंदगी तुम अपना दिमाग यूज करते हो, लेकिन तुम्हारा काम है माइंड को ट्रांसेंड करना। ध्यान रखना, सारी जिंदगी आपको सिखाया जाता है दिमाग का इस्तेमाल, और गीता कहती है दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, दिमाग के भी बियॉन्ड जाना, क्योंकि दिमाग भी तो मैंने लिमिटेड ही दिया तुम्हें। सो द मोमेंट यू विल ट्रांसेंड, यू विल ओवरपावर द माइंड एंड इंटेलेक्ट, देन यू शैल डिस्कवर योरसेल्फ द गॉड विद इन। गॉड मींस सुप्रीम। तो आपको अगर वो बाकी को धूम वाला हीरो बनना है जिसमें आप 25 लोगों की पिटाई कर सकते हो और ट्रक के नीचे से बाइक निकाल सकते हो, वो पावर आपके माइंड में है ही नहीं, वो आपके माइंड के बियॉन्ड है, जिसे हम सब कॉन्शियस कहते हैं। दिमाग से इस बात को क्या था सलमान का डायलॉग, समझ दिल में आता हूँ समझ में नहीं, ऐसा ऐसा सा कॉन्सेप्ट है। बट एक्चुअली में होता है इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी ऐड है जस्ट डू इट नाइकी की, इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। वैसे तो जूते बेच रहे हैं, क्या कहते हैं जस्ट डू इट, लेकिन वो यही बेसिकली कह रहे हैं कि दिमाग ना लगाओ, करो। और एक्चुअली जो करते हैं कभी कभी वो बहुत इनसेनली सक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये दो आदमियों को ले लो, केजरीवाल को जानते हो, आपको लगता है उसमें दिमाग है, सोचो जो उसकी हरकतें हैं, कोई दिमाग वाला आदमी कर सकता है? जस्ट थिंक। अच्छा चलो उल्टा लेते हैं, दिल्ली का इलेक्शन हमने देखा, कौन सोच रहा था जीतेगा? वो ऐसे दिमाग लगाओ तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ इलेक्शन। आई वॉज इन दिल्ली, आई एम दिल्ली आई स्टेट गवर्नमेंट। जितना रेडिक्यूल और मजाक केजरीवाल का वो रेजिग्नेशन के बाद बनाया गया था, वो तो रोक नहीं सकते आप, ठीक है? बट द पॉइंट इज ईगो, अटैचमेंट और फियर, तीनों लगाता हो तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ता, मानते हो ना बात को? लेकिन अगर वो इलेक्शन ही लड़ता तो 67 out of 17 जीतता। दैट मीन्स कि केजरीवाल की थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में बहुत फर्क है, इसलिए हमें वो आदमी समझ नहीं आता। पर हम 15 हैं, वो 1 है, तो हमें वो डबल लगता है। I'm not saying I'm saying intelligent है, but the point is गीता के हिसाब से बड़ी सिंपल चीज की है उसने, सिंपल सी चीज की है। दूसरे को ले लो, चाय भी करो, ढाबे पे चाय पिएगा, वो ढाबे पे जो चाय बेचता है उसकी शक्ल भी आता। अब सोचो वो ढाबे पे चाय बेचने वाला सोचे मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा इंडिया का। सोचो कितने IITs हैं, कितने IIMs हैं, कितने एम्स हैं, कितने IAS ऑफिसर्स हैं, उनमें से कोई एक भी आज तक नहीं बना प्राइम मिनिस्टर, और ये बन गया। और ही हैज डिफीटेड द मोस्ट एजुकेटेड पॉलिटिशियन इन द कंट्री। अगेन मैं आपको बोलता हूँ, दिमाग से कोई लड़ नहीं सकते ना। जब आपको ये पैटर्न लड़ना है, आप दिमाग से नहीं लड़ सकते, यू हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आज तक आप तो अलग अलग ले लो यार, बुक है पता है पंकज। So what should I write? What I do? Doctor? No, nothing. Just to talk. 100%. VA. That's okay. Amitabh. Yes, sir. Harjot. K. 40.